अभी माइबॉर्न फॉर्मवर्क में इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स को कैसे इंस्टॉल करते उसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। आप लोग सुनिए, आप लोग नॉलेज में रखिए, तो आप लोग को काम पे आएगा कंस्ट्रक्शन फील्ड में। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स पाइप इसको हम लोग इंस्टॉल करते वॉल स्लैब का अंदर। कॉन्ड्यूट्स पाइप बोले तो इसमें 25 mm का पीवीसी पाइप यूज करते। इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं इसका रीजन भी आप लोग को मैं पहले बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स पाइप को यूज करते इसके लिए हम लोग जो बिल्डिंग है घर है मकान है जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्ड्यूट्स पाइप को यूज करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्ड्यूट्स पाइप? कोई भी शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल फायर और कोई भी एस्थेटिक रीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग को आपका कॉन्ड्यूट पाइप यूज करते हैं हम लोग। इसमें जनरली 25 mm का पीवीसी पाइप यूज करते हैं। ओके, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा तो माइबॉर्न फॉर्मवर्क में इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग सुनिए, आप लोग का नॉलेज में रखिए। आप लोग को पता है माइबॉर्न फॉर्मवर्क और एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का कोई भी काम ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है, तो हम लोग कॉन्ड्यूट्स, इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्यूट्स का काम करेंगे अभी फॉर्मवर्क में, इसका भी ड्राइंग होता है। ठीक है, अभी क्या करना पड़ता है, पहले ड्राइंग अच्छा से रीड करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग अच्छा से रीड करने के बाद कौन सा पैनल में आपका मॉड्यूल बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और जंक्शन बॉक्स आ रहा है वो पहले नोटिस करते, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा पैनल में आ रहा है आपका। तो वो पैनल ड्राइंग के अकॉर्डिंग खुल के, वो पैनल खुल के पहले आपका ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसमें मार्किंग करना पड़ता है कौन सा पैनल में कितना हाइट में दिया हुआ है आपका मॉड्यूल बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और जंक्शन बॉक्स, कोई भी हो इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन, कौन सा पैनल में कितना दूरी में दिया हुआ है उसी का अकॉर्डिंग आपका मार्कर से मार्किंग करना पड़ता है। उसके बाद वहां पे आपका स्टील प्लेट और प्लाई का भी प्लेट और वुडन प्लेट, कोई भी प्लेट उसमें फिक्स करना पड़ता है और पैनल को आइडेंटिफाई करने के लिए पेन से मार्किंग करना पड़ता है। ओके, जब आपका प्लेट फिक्सिंग का काम हो जाता है तब पैनल को जो जगह में थे उसी जगह में लगा देते, फिक्सिंग कर देते। जब अंदर का सारा पैनल्स लग जाता है तब बाहर से उसी जगह में जहां पे हम लोग प्लेट फिक्सिंग किया था ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसी जगह में मॉड्यूल बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और जंक्शन बॉक्स जो भी पॉइंट आ रहा है इलेक्ट्रिकल का उसको फिक्सिंग करना पड़ता है नट बोल्ट का थ्रू। आपका मॉड्यूल बॉक्स, जंक्शन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो भी इलेक्ट्रिकल का पॉइंट आ रहा है तो वो प्लेट का ऊपर हम लोग का भी फिक्सिंग कर दिया है। अभी उसी पॉइंट से वर्टिकली वॉल में जितना कॉन्ड्यूट्स पाइप आ रहा है उसको खड़ा करना पड़ता है और खड़ा करके सरिया के साथ बाइंडिंग वायर से बांध देते ताकि हेलर उधर ना जा वो पैनल, तो बराबर कवर में रहे सरिया के साथ अगर बांधेंगे तो वो बराबर कवर में रहेगा। इलेक्ट्रिकल का जितना भी काम रहता है वर्टिकली वॉल का अंदर वो सारे काम आपका अंदर का शटरिंग लगाने के बाद ही करना पड़ता है। इसके बाद बाहर का शटरिंग क्लोज कर देते। जब स्लैब का फॉर्मवर्क रेडी हो जाता है, सरिया का काम हो जाता है स्लैब का ऊपर, तब आता है सीलिंग का
कॉन्डुइट्स का काम करने का बारी। स्लैब में जितना भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मॉड्यूल बॉक्स और जंक्शन बॉक्स रहता है उसको कनेक्ट करना पड़ता है पीवीसी पाइप का द्वारा। वर्टिकली सारा कॉन्डुइट पाइप्स को भी स्लैब में जो जंक्शन बॉक्स रहता है उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। कुछ पॉइंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। माइबम सॉल्डरिंग में जैसा आपका इलेक्ट्रिकल का काम होता है और प्लम्बिंग का काम भी सेम तरीका से होता है। माइबम फॉर्मेट में जितना भी इलेक्ट्रिकल का काम, प्लम्बिंग का काम रहता है वो अच्छा से चेक करना पड़ता है कास्टिंग से पहले, क्योंकि हम लोग माइबम फॉर्मेट में मोनोलिथिक कास्टिंग करते हैं, वॉल बीम कॉलम स्लैब सब एक साथ कास्टिंग करते हैं, और कास्टिंग के बाद कुछ छूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है उसमें काम करने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कैसे माइबम सॉल्डरिंग में इलेक्ट्रिकल कॉन्डिट्स को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।